केमिस्ट्री क्लासरूम, प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस का मेन कंसेप्ट आप जानते हैं। अब ये दो तरह की हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। डायरेक्ट का मतलब ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसी कंटेनर के अंदर एनोड, इसी के अंदर कैथोड। इनडायरेक्ट का मतलब इट विल हैव टू डिफरेंट कंटेनर्स, एक एनोड एक्ट करेगा और एक कैथोड। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही वेसल में और उधर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डिफरेंट वेसल्स। देखो, टेंथ के अंदर आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके टीचर करते हैं। ये एक बीकर में कॉपर सल्फेट घोला हमने, इट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें लोहे के कुछ नेल्स डाल दिए, कीलें डाल दी हमने, लोहे की आयरन की नेल्स डाल दी इसके अंदर, तीन चार जितनी भी आप डालना चाहते हो आयरन की नेल्स डाल दी, आयरन सॉलिड डाल दिया इसमें। थोड़ी देर के बाद इसी बीकर के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, दैट ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज फेडेड, फीका हो गया। एक्चुअली वो ब्लू से थोड़ा सा ना सी ग्रीन हो जाता है। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ देखते हैं इसको। ठीक है, और डेपोजिशन ऑफ मेटेलिक कॉपर, मेटेलिक कॉपर ऑन नेल्स, कौन से नेल्स थे ये, आयरन नेल्स, ऑन आयरन नेल्स, ऑल्सो ऑन बॉटम ऑफ बीकर, बीकर की बॉटम पे भी सेटल हो रहा है और जो इसके अंदर नेल्स है ना आयरन की, ये आयरन की नेल्स हमने डाली थी तो उसके ऊपर ऐसे मेटेलिक कॉपर, कॉपर जिस कलर का होता है उसी तरीके का, इसके ऊपर ऊपर भी हो जाता है और यहां नीचे भी सेटल हो जाता है, और ये जो ब्लू कलर था नाउ इट इज फेडेड। ठीक है, ये ब्लू कलर फेड हो गया। तो दिस इज डायरेक्ट रिएक्शन। इसमें एक्चुअली हुआ क्या, आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो आयरन था सॉलिड, कॉपर सल्फेट घुला हुआ था, कॉपर टू पॉजिटिव, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड फॉर्म्ड आयरन टू पॉजिटिव एंड कॉपर सॉलिड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेंथ याद आ रही है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, अच्छा जी, इसके अंदर एक बीकर होगा, उसमें हम जो भी मेटल लेना चाहेंगे उसी का सॉल्ट, ये हो जाएगा एक एनोड, दूसरे के अंदर दूसरी मेटल लेंगे वो हो जाएगा कैथोड, फिर आप इनको ज्वाइन करेंगे और इसको हम बोल देते हैं सॉल्ट ब्रिज। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूं। एनोड में होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होती है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन अलग चैम्बर में, रिडक्शन अलग चैम्बर में, जिसमें ऑक्सीडेशन हुई उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसमें रिडक्शन हुई उसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, और दोनों ही हाफ सेल जुड़े होते हैं सॉल्ट ब्रिज से, और बाहर से इसमें लगा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट। इन सच रिएक्शंस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्ट में क्या था आमने सामने एक ही सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन यहां पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अलाउड टू टेक प्लेस थ्रू मेटालिक वायर्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी जो चेंज होके हमें दिखाई देगी दैट विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो डिवाइस इनडायरेक्ट रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज अ डिवाइस इन विच redox reactions carried indirectly and the decrease in energy appears as electrical energy. Basically, होता क्या है? It converts
केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रिडॉक्स रिएक्शंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डिवाइस बना दे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज ऑल्सो नोन एज गल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल. गल्वेनिक सेल आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, लुइगी गैल्वनी इन 1780, एंड वोल्टिक सेल आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एलेक्सेंड्रो वोल्टा इन 1800 सेंचुरी. अब मैं आपको बताती हूं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होती है. देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टोटल फोर मेन पार्ट्स क्या क्या. दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड और एक कैथोड. एनोड होगा नेगेटिव, कैथोड होगा पॉजिटिव. फिर हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज. मैं एग्जांपल ले रही हूं जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. ओके, अब आप ध्यान से देखना, ये है मेरे पास एक बीकर. इस बीकर के अंदर मैंने लिया जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट. देखो जरा मैंने क्या लिखा है, उसी मेटल का एक्वा सॉल्यूशन जिसका इलेक्ट्रोड होगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल. तो ये लिया मैंने जिंक सॉलिड और ये लिया मैंने जिंक सल्फेट, वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. वेल, दूसरी साइड मेरे पास है एक और बीकर और उसके अंदर मैंने डिप किया है इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कॉपर. इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ओके, और इसके अंदर क्या डाला है हमने, ये है कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रोड और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दिस इज वन मोलर कॉपर सल्फेट एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन. दिस इज जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन और उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, वन मोलर. ओके, दो कंपोनेंट हो गए. दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इसका नाम है एनोड. इट विल बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इसका नाम है कैथोड. राइट, अब यहां से हम आगे इसको शिफ्ट करेंगे. ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर के साथ. दिस इज वोल्ट मीटर. ओके ओके, वोल्ट मीटर की ये है नीडल. दिस इज मेन पोजिशन जीरो और इधर को भी वैल्यूज रहेंगी, इधर को भी वैल्यूज रहती हैं. ठीक है, वोल्ट मीटर की दोनों साइड को वैल्यूज रहती हैं. मेन पोजिशन इधर भी जैसे 1 2 3, इधर भी 1 2 3. राइट, अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे और इधर मैंने की लगाई है. अभी की इसके साथ जुड़ी नहीं है, ये लीजिए. अब आपको लग रहा है सर्किट कंप्लीट हो गया है ना, लेकिन अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ. इलेक्ट्रोलाइट हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गए, एक्सटर्नल सर्किट हो गया. नाउ सॉल्ट ब्रिज, ये लीजिए सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है और इसके अंदर भरा होता है कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन एगर एगर मीडियम और वो बिल्कुल जेली जैसा सब्सटेंस बन जाता है. दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, ये हमने लगाई है की, अभी ओपन है, अभी कनेक्टेड नहीं है. इधर एनोड, इधर कैथोड. ठीक है, एनोड, एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, कैथोड, कैथोड पे होनी है रिडक्शन. ठीक है, जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया, की को इंसर्ट किया, आप देखेंगे ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये एरो इधर चला गया. ठीक है, वैल्यूज जो भी हैं, लेट इट बी 0.5, 1.0, 1.5, एनीथिंग, जो भी वैल्यूज है, ये नीडल यहां से यहां पहुंच गई. वोल्ट मीटर
जिधर को इसका एरो जा रहा है मींस इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, तो ये रहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिधर इसका एरो का हेड होगा मींस इलेक्ट्रॉन इधर से उधर को जा रहे हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन से उल्टी साइड को जा रहे हैं। ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, जा उधर को रहे, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है ये। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के उल्टी साइड जाएगा। दिस इज कन्वेंशनल करंट, दिस इज फ्लो ऑफ करंट। करंट उल्टी साइड को जाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर को जाएगा। तो देखो, जब हमने रिएक्शन को शुरू में लिया, सारे सेटअप इसी तरीके से हैं, ये इलेक्ट्रोड प्रॉपर है, वो इलेक्ट्रोड प्रॉपर है। आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्वेशन आई, ये जो जिंक की रॉड है इट स्टार्ट्स लूजिंग वेट, जिंक रॉड स्टार्ट्स लूजिंग वेट बाय डिसॉल्विंग, ये डिसॉल्व होना शुरू हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर ऑफ कैथोड हाफ सेल बिकम्स लाइट इन कलर, ब्लू कलर उसका फेड होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड कॉपर रॉड स्टार्ट्स गेनिंग वेट, कॉपर रॉड जो है उसने वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है। ऐसा क्या हुआ, इनको नोट कर लिया आपने? अब इस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन, दिस पोर्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। इधर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हमने देखा जिंक की रॉड घुल गई और कॉपर की रॉड के ऊपर डेपोजिशन आ गई, यहां पे कॉपर डिपॉजिट हो गया। ऐसा क्या हुआ, इधर हुई ऑक्सीडेशन, इधर थी जिंक रॉड सॉलिड, ओके, ऑक्सीडेशन हुई, इसने बना लिया जिंक 2 पॉजिटिव और ये चले गई एक्वस सॉल्यूशन में विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गया। शुरू में आपने क्या लिया इसमें, जिंक सल्फेट, तो इसमें तो ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव हैं, लेकिन ये जो रॉड है इससे भी जिंक 2 पॉजिटिव आने शुरू हो गए। जिंक 2 पॉजिटिव इधर आया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को बाहर से यहां पहुंचे। अब इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव है ना, जैसे इसके अंदर जिंक 2 पॉजिटिव था सल्फेट था, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट है, पहले से डिसॉल्व है, जिंक और आ गया बीच में। इधर क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में था, जो उधर से इलेक्ट्रॉन्स आए उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, क्या बन गया, कॉपर सॉलिड, और इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, हो गई ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गई रिडक्शन। अब दोनों को जरा कंबाइन कर दीजिए, दोनों रिएक्शंस को मैं अगर इकट्ठा लिखूं, पहले मैं दोनों को ऊपर नीचे लिख के दिखाती हूं। जिंक, जिंक से बना जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया कॉपर सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचा आपके पास, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, इधर क्या बन गया, कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, ओके। तो ओवरऑल ये दो अलग अलग रिएक्शंस थी, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या आई, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस और ये बन गया कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। तो देख लीजिए, जिंक की हो गई ऑक्सीडेशन और कॉपर की हो गई
रिडक्शन, लेकिन कंटेनर क्या थे? अलग अलग, कंटेनर्स वर डिफरेंट. तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन. एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं. वर्चुअली दिस इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. और इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही डिफाइन कर सकते हो, है ना? सिंपल. इन्हीं चीजों को जैसे जैसे मैंने बताया आपको लिखते जाना है. ओके, वेल ये तो हो गया. अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है भाई? इसको हमने काहे को यूज करा? ये हटा दू, ठीक है? एनोड कैथोड मैंने ऊपर लिखा है. तो दिस पोर्शन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज रिडक्शन हाफ सेल. ओके, सॉल्ट ब्रिज, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब placed inverted connecting both half cells. It is filled with strong electrolyte like KCl, KNO3, etc. dissolved in agar-agar medium. और agar-agar medium में इसलिए डालते हैं that it forms like jelly type substance. जब इसको invert भी करे तो वो नीचे ना गिरे, ठीक है? तो it is having KCl और KNO3, strong electrolyte in agar-agar, right? तो ये है सॉल्ट ब्रिज. ओके, अब देखो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के लिए भी आपको ये सारा बनाना पड़ेगा. पहली बात, अगर इस ट्यूब को मैं ऐसे हटा दूं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? सो पहली बात, इट कंप्लीट्स द सर्किट. इसने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, ठीक है? और कौन से सर्किट को? सेल सर्किट को. इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट. ओके, दूसरी बात, ये दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशंस को कनेक्ट तो करती है लेकिन आपस में मिक्स नहीं होने देती, ठीक है? इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशंस ऑफ बोथ हाफ सेल्स, both half cells and avoid their mixing. Avoid their mixing. उनकी मिक्सिंग नहीं होने देती. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट मेंटेन्स न्यूट्रैलिटी इन बोथ हाफ सेल्स. दोनों हाफ सेल्स के अंदर ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है. इसका क्या मतलब? कुछ बच्चों क्या करते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बस ये तीन लाइनें लिख के काम खत्म. अरे मेंटेन कैसे करती है वो बताना पड़ेगा. देखो कैसे. उसके लिए आपको ये सेल बनाया और अब देखो लेफ्ट साइड में हाउ इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी. इनिशियली, शुरू में जब रिएक्शन नहीं हुआ तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट हैज इक्वल नंबर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयन्स. क्लियर? मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन किसके बराबर है? सल्फेट 2 नेगेटिव के. ओके, ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, अब रिएक्शन स्टार्ट हुई, जिंक सॉलिड से क्या बना? जिंक 2 पॉजिटिव. अब जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, देयरफॉर
कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव बिकम्स ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट टू नेगेटिव. क्लियर? दैट इज ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इस हाफ सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्या करें भाई? इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इधर से कौन एंटर करेगा इसके अंदर? यस, Cl नेगेटिव. ठीक है, एगर एगर मीडियम के अंदर हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रखा है, अब उसमें से यहां पे क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि जिंक बार बार घुल के इसके अंदर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो यहां से एंटर करेगा Cl नेगेटिव. तो इस कंटेनर के अंदर कौन आया? Cl नेगेटिव. किसको? पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करने के लिए. तो ये कौन सा पोर्शन था? इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल. अब देखो इन रिडक्शन हाफ सेल, इनिशियली कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन किसके बराबर है? कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट टू नेगेटिव आयन्स. ओके, आफ्टर रिडक्शन, जब रिडक्शन हुई तो क्या हुआ? कॉपर टू पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और बन गया कॉपर सॉलिड. मतलब अब कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है ना, कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है इसके ऊपर, तो कॉपर की कंसेंट्रेशन कम हो गई. दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव बिकम लेसर देन सल्फेट टू नेगेटिव. मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया नेगेटिव चार्ज से. ठीक, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इधर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस. देयरफॉर के पॉजिटिव फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज एंटर्स द सॉल्यूशन, और इधर कौन एंटर किया था? देयरफॉर सीएल नेगेटिव फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज एंटर्स द सॉल्यूशन. इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम भी करता है, और जो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है वो इस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. तो ये थे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए इसको समझते हैं. अब इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा नीचे करके लिख लूं. जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड, जो चार्ज्ड है दैट इज एक्वस, दिस इज सॉलिड. जिंक से बना जिंक टू पॉजिटिव, जिंक से बना जिंक टू पॉजिटिव, लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन. कॉपर टू पॉजिटिव से बना कॉपर सॉलिड, गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज रिडक्शन. ओके, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन कहां पे होती है? एनोड पे. रिडक्शन कहां पे होती है? कैथोड पे. एंड बाय कन्वेंशन आपको एनोड हमेशा लेफ्ट में रखना है और कैथोड रखना है राइट में. किसकी हुई ऑक्सीडेशन? जिंक की. उसको एनोड पे लिखो. देखो जिंक से क्या बना? जिंक टू पॉजिटिव, यही बना. जिंक सॉलिड से बन गया जिंक टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए. ओके, गेन किसने किया? कॉपर टू पॉजिटिव. कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बन गया? कॉपर सॉलिड. सिंपल. पर अभी एक चीज रह गई, सॉल्ट ब्रिज. सिंपल, एनोड कैथोड और ये आ गया सॉल्ट ब्रिज. सेल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और जब आप ईएमएफ निकालते हो सेल की, आप हमेशा लिखते हो ई राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. डन? सेम. अब आपके हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन, इट इज एल्यूमिनियम एंड सिल्वर. चलो इसको देखते हैं. दिस इज एल्यूमिनियम, सिल्वर
एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड दिस इज सिल्वर सॉलिड. ओके, एल्यूमिनियम से बन गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन. सिल्वर से बन गया सिल्वर सॉलिड, 3 है ना, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन. तो इधर एनोड होगा, इधर कैथोड होगा. एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन. ओके, तो ऑक्सीडेशन हुई किसकी, एल्युमिनियम. एल्युमिनियम से बन गया एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव. कैथोड पे क्या हुआ, सिल्वर पॉजिटिव, और उससे क्या बन गया, सिल्वर सॉलिड एक्वस से कनेक्टेड थ्रू सॉल्ट ब्रिज. सिंपल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ओके, अच्छा देखो यहां पे आपको 3 लगाने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस करने के लिए लगाया था, बट यहां सिर्फ इलेक्ट्रोड का ही बताना होता है. अब तीसरी रिएक्शन है मेरे पास सिल्वर और कॉपर के बीच में, इसको मैं यहीं पे बता देती हूं. कॉपर, कॉपर की हुई है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन. सिल्वर का हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन. ठीक है, तो एनोड कैथोड, एनोड पे कौन, कॉपर. कॉपर से क्या बना, कॉपर 2 पॉजिटिव, सॉलिड से एक्वस, और इधर सिल्वर 1 पॉजिटिव, और उससे क्या बन गया, सिल्वर एक्वस से बन गया सॉलिड कनेक्टेड थ्रू सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इससे आगे की बात करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो के अंदर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस कंप्लीट योर नोट्स.